टेक्स्ट फॉर्मूले की दे सॉरी हाँ टेक्स्ट फॉर्मूले की जो एक इंटरव्यू क्वेश्चंस है उसमें क्या है कि हमें काउंट करना है कि कौन सा करेक्टर कितना बार रिपीट है, और आपने ज्योति जी ने बनाया तो है बट आपकी गलत है, गलत हो गया है, क्योंकि जो आपने सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाया है ना वो केस सेंसिटिव होता है। यहाँ बी है फिर भी जीरो आ रहा है, तो क्या करना है हमें काउंट करना है कि किसी भी सेल के अंदर में कोई कोई करेक्टर या कोई वर्ड कितना बार रिपीटेड है। अब इसका अलग से एग्जांपल मैं दूं, जैसे मान लीजिए क्या है कि एक एयरलाइंस है, मैंने एक कोड लिखा हुआ है, कोई कोड मान लीजिए ना एक कॉमा करके कोड लिखा हुआ है, या फिर मैं कॉमा कोड नहीं करता हूं, मैं चाहता हूं अपने ईमेल में ऐसी इसी सेंटेंस को कॉपी करूं, अब मुझे काउंट करना है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कितने वर्ड है, कैसे काउंट करेंगे, तो मुझे इसके अंदर के जो स्पेसेस है वो स्पेस काउंट करना होगा ना, क्या सर? चलिए मैं करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाऊंगा और इसमें से स्पेस को रिमूव कर दूंगा, रिमूव। फिर मैं लेन फॉर्मूला लगाऊंगा और बताऊंगा कि जब स्पेस था तब कितना करेक्टर था और जब स्पेस नहीं है तो कितना करेक्टर, तो कितने स्पेस डिलीट हुए, जितने स्पेस डिलीट हुए उतने इसमें वर्ड है, समझ गए? और बोलेंगे कि पहले कितना है। फिर वापस लेन बताएंगे और बोलेंगे कि इस लेन के अंदर में काउंट करो सब्स्टिट्यूट में कितने बी को इसके अंदर ब्लैंक से रिप्लेस किया, देखिए डिलीट किया। अब यहाँ पे इसने काउंटिंग जो है गलत दे दिया, माइनस करना चाहिए, क्यों? सब्स्टिट्यूट में बी वन हो रहा है, बी वन आ रहा है, बी वन कोई करना था ना, हमें ए वन के अंदर बी वन को सब्स्टिट्यूट करना है, लेकिन वन आ रहा है, लेकिन ऐसे मैनुअल देखे दो आ रहा है क्योंकि एक एक लोअर लेटर में लोअर केस में है, तो ये केस सेंसिटिव होता है, तो इसको कैसे हम करें, तो यहां आपको दिख रहा है ना ये दोनों को अपर में कन्वर्ट कर देते हैं, अपर के मन लगाते हैं और इसमें से दोनों को अपर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दोनों लोअर और अपर उससे मतलब नहीं, सब्स्टिट्यूट पहले अपर में कन्वर्ट करेगा देन उसको रिप्लेस करेगा। तो आई थिंक ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, बुमन जी एंड ज्योति जी।